नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स पर। आज मैं अपने स्मार्ट टिप सीरीज के अंतर्गत अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगी कि क्या करें क्या ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं आमंड, जिसे बादाम बोलते हैं, इसमें विटामिन ए, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड पाए जाते हैं। इसलिए यह हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हम लोग करते क्या हैं, मार्केट में जाते हैं, बॉटल पे कोई भी आमंड का फ़ोटो बना होता है और हम उसे ले लेते हैं और सोचते हैं कि यह हमारे बालों और स्किन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आमंड ऑयल खरीदते समय हमें उसमें इंग्रेडिएंट देखना चाहिए कि उसमें आमंड का परसेंटेज कितना है और मिनरल ऑयल कितने मिक्स हैं, उसको देखकर ही हमें लेना चाहिए। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आमंड हेयर ऑयल है, इसमें आमंड बना हुआ है। आमंड को देख के हमें लगता है कि ये 100% प्योर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आमंड हेयर ऑयल खरीदते समय हमें इसके इंग्रेडिएंट्स को ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपके इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे 24% तो इसमें मिनरल ऑयल है, ओनली 23% ही आमंड ऑयल है। तो कैसे 100% हमें बेनिफिट दे सकता है? देखिए फ्रेंड्स, यह भी एक आमंड ऑयल है, लेकिन ये 100% प्योर है। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं दिखाती हूँ। तो ये 100% इसमें आमंड ऑयल ही है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, सुंदर सफ़ेद और मजबूत दांत हमारी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, इसलिए हमें टूथपेस्ट का भी सिलेक्शन बहुत केयरफुली करना चाहिए, जिससे हमारे दांतों को कोई नुकसान ना हो। मैंने कई सारे पॉपुलर ब्रांड के टूथपेस्ट देखा, लेकिन मैक्सिमम में कुछ ना कुछ हार्मफुल केमिकल मिले होते हैं। तो दोस्तों, कौन सा टूथपेस्ट यूज करें? मैं रिकमेंड करूंगी वीको वज्रदंती, जो कि मैं खुद भी यूज करती हूं। इसमें सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, जो कि हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप ब्रश करने के बाद वीको वज्रदंती पाउडर भी मसूड़ों पर धीरे धीरे अप्लाई करेंगे तो आपके दांत और मसूड़े मजबूत रहेंगे। दोस्तों, डाबर लाल दंत मंजन भी एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, मैंने पतंजलि का भी टूथपेस्ट देखा, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेदिक हैं, लेकिन उसमें एक हार्मफुल केमिकल है, जैसे फ्लोराइड। अगर इसे गलती से बच्चे निगल लें तो उनको बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए मेरी नज़र में सबसे बेस्ट वीको वज्रदंती है, जो सेफ भी है, अच्छा भी है, तो आप इसे यूज करें। दोस्तों, हमारा बॉडी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए हमें बिना सोचे समझे कोई भी साबुन शरीर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाजार में उपलब्ध मैक्सिमम सोप में बहुत से हार्मफुल केमिकल होते हैं। तो फिर कौन सा साबुन यूज करें? दोस्तों, आप पतंजलि का मुल्तानी मिट्टी सोप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल इन्ग्रीडियंट्स नहीं है। आप किसी और ब्रांड का भी मुल्तानी मिट्टी सोप यूज कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी के बहुत से फायदे हैं, आप गूगल से भी पता कर सकते हैं। एक्चुअली मुल्तानी मिट्टी का उपयोग बहुत पहले से होता आ रहा है। मुल्तानी मिट्टी का फेस वॉश भी आता है, आप यूज कर सकते हैं, यह भी बहुत अच्छा है। मैं इसे खुद भी यूज करती हूँ। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। दोस्तों, अक्सर हम टीवी में या हॉस्पिटल में देखते हैं कि किसी चोट लगे एरिया को पहले डेटॉल से वॉश करते हैं, फिर उस पर क्रीम लगाते हैं, तब वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड को चोट लगा था, उसने भी डेटॉल से क्लीन किया और दवाई लगा दिया। उसका घाव भरने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ कि ये घाव ठीक नहीं हो रहा है। तो उसने गलती क्या किया था फ्रेंड? एक्चुअली उसने डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड की जगह पर घर में उपलब्ध डेटॉल डिसइंफेक्टेंट लिक्विड यूज कर दिया था, जो कि बाथ करने के लिए, फ्लोर क्लीन करने के लिए, कपड़े क्लीन करने के लिए होता है। इसलिए दोस्तों, चोट लगने पर हमेशा एंटीसेप्टिक लिक्विड का ही इस्तेमाल करें। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। फ्रेंड, सबके घर में तो प्रेशर कुकर होता ही है, मैक्सिमम लोग एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर यूज करते हैं। एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर में खाना बनाते समय उसके पार्ट्स भी जो होते हैं खाने के साथ मिल जाते हैं। जब उसे हम खाते हैं तो बहुत हानि पहुंचाता है, उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं।
तो हमें इसको यूज एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर का यूज करना अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह पर हम स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर यूज कर सकते हैं। मैंने एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर और स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर के बीच कंपेयर करके एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है, उसे आप देखें, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।